ग्राम एक प्लास्टिक का बॉटल में प्लास्टिक रहता है बरोबर। तो हम लोगों ने अभी 10,000 से ज़्यादा प्लास्टिक का बॉटल कलेक्ट किया अपने जैसे स्कूल को अलग अलग। हम लोग आपका सोसाइटी है, 500 बॉटल जमा हो गए तो हमको फ़ोन किया तो हम लोग गाड़ी भेज देते ऐसा। तो इतना सब प्लास्टिक का बॉटल ज़्यादा फेंकने का नहीं, तो अपना घर में पानी का बॉटल उसमें प्लास्टिक लकड़ी से ठोस ठोस के भरने का। एक एक दो बॉटल में तो आपका 2-3 महीने तक कचरा डालने को नहीं पड़ेगा आपको, वो उसमें ही चला जाता है। हाँ, सब्जी का है, चेपर का, खाली आपका गीला कचरा है, किचन वेस्टेज है, वो आप लोग डाल सकते हैं। उसका भी आपने टंबल में लिया तो वो भी घर में खाद हो सकता है। हाँ, क्या है अपने घर से झाड़ू करेंगे तो सोसाइटी में भी ज़्यादा कचरा नहीं रहेगा। उधर का भी ईट की जरूरत है। हम लोग सीमेंट का हम इतना प्योर ब्लॉक बनाया बरोबर। ये सब प्लास्टिक थोड़ा बता दीजिए एक बार, ये सब पूरा प्लास्टिक है क्या? हाँ, ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, प्लास्टिक का बाम्बू है ये। हाँ, इसको अभी देखो, अभी लकड़े का फेंसिंग बनाएंगे हम लोग तो क्या एक साल में टूट जाता है, आपको हर साल में रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और ये देखो बेंचेस भी अभी कंपनी ने हम लोगों को प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके बेंचेस भेजे, देखो 5 बेंचेस वो भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग करेगा। सीमेंट में ऐसा है वो ना। यू छोटू ऐसा पास में जाओ, पूरा प्लास्टिक रहता है ऐसा कचरा जैसा रहता पूरा, उसको हम लोग इसमें क्रश करके उसका फिर ऐसा भूगा बनाया जाता है पाउडर। छोटे छोटे पीस बनाएंगे इसमें, मशीन में छोटे छोटे पीस बनाते हैं क्योंकि अभी हम लोग प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं वो देखो प्लास्टिक का गोनी भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग क्या प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे तो हमको बहुत ये सेक्रिकेटन करना पड़ता है क्योंकि उसमें सब अपना घरा घर का दवाई का सब पैकेट भी डाल देते हैं, सब खत्म हो गया तो डालने का बोल के कुछ भी डाल देते हैं, इसके लिए थोड़ा सा लेबर खर्च ज़्यादा लगता है। ऐसा रहेंगे तो फिर वो गोला नहीं होता है, उसमें बराबर मिक्स हो जाता है ऑयल में। और फिर ये इसमें डालने के बाद में इसमें हम लोग 70 किलो का बैच बनाते हैं, 15 किलो ऑयल रहेगा और इसमें और ये प्लास्टिक टुकड़े डालेंगे, बाकी 30-35 किलो रेती डालते हैं।